हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल डोनट म्यूजिक में, जहां मिलता है आपको ज्ञानी ज्ञान और मुझे मिलता है आपका प्यार और सम्मान। दोस्तों, पार्ट वन में मैंने आपको इस गजल का मुखड़ा समझाया, आज मैं आपको इसका अंतरा बताऊंगा कि अंतरा कैसे गाना है। बहुत बेहतरीन गजल है दोस्तों और बहुत ही ध्यान देकर सीखने वाली ये गजल है, तो इसलिए इसमें आप कोई भी स्किप वगैरह मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आराम आराम से मैं समझाऊंगा। क्योंकि देखिए, लाइफ में एक ही टाइम इस तरह से सीखा जाता है और सिखाया जाता है, मैं ये वीडियो दोबारा थोड़ी ना बनाऊंगा, इसलिए अच्छे से समझिए और गाइए। ये गज़ल गाना कभी आपको इम्पॉसिबल लगता होगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखकर अच्छी तरह से आप सीख लेंगे तो शायद आपको इम्पॉसिबल नहीं लगेगा, ठीक है। और हाँ दोस्तों, आप इस गज़ल के अंतरे को सीखने से पहले आप एक बार वो मुखड़े का जो नोटेशन है, वो जो ट्यूटोरियल है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। मैं ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा उसका भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि फिर जो हमारे दर्शक नए हैं या जो पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियोस डाले जाते हैं और अच्छे अच्छे गाने सिखाए जाते हैं। और मैं बड़े धैर्यपूर्वक गानों को ब्रेक करता हूँ, नोटेशन को देखता हूँ और दिखाता हूँ, और जहाँ तक मेरी कोशिश होती है कि गानों को, मुश्किल से मुश्किल गानों को आसान करके आपको सिखाया जा सके, ठीक है। तो एक रीज़न ये हो गया सब्सक्राइब क्यों करें, और दूसरा अपना सपोर्ट इस चैनल को दीजिए, अपना प्यार दीजिए, ज्वाइन बटन दबाकर। ज्वाइन बटन दबाएंगे तो आप हमारे मेंबर बन जाएंगे, और मेंबर बनने से क्या होता है कि हमारा हौसला बढ़ जाता है कि नहीं, हमारे साथ इतने लोग हैं सीखने वाले, और मेरी भी जो क्षमता है सिखाने का वो और बढ़ता चला जाता है। ज्वाइन बटन दबाकर मेंबरशिप ले लीजिए, और थैंक्स बटन दबाकर आप अपना सपोर्ट भी हमको दे सकते हैं, या गुरु दक्षिणा बोलिए या सपोर्ट बोलिए, थैंक्स बटन दबाकर आप दे सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फटाफट अंतरा। बस तुझ सरगम पा से शुरू होता है, तुझ से पापा पा मिलते पानी दामा मिलते, ओके, ही वो कुछ तो ही कैसे हुआ, पामा ही वो हुआ नीपा कोमली, वो कुछ यानी कि गारे सा बेबाक सारे मगा मगा बेबाक सारे रे मगा मगा बेबाक, ओके, हो यानी कि पामा हो जाना कैसे हुआ, दापा जाना। अब मेरा में हरकत देख लीजिए, जाना मेरा ये जाना यानी कि धापा जाना पा तो धापा पा जाना। उसके मे जो है वो म पे है, मेरा ये मेरा ये कैसे हुआ, मा गा सा कोमली मेरा, फिर नी से नी समा नी सगा
ऐसा नी सगा मा पा दा रा धा पा मगज नी गा पा। ठीक है आगे देखते हैं। नेक्स्ट टाइम तुझसे मिलते ही वो कुछ तुझसे मिलते मिलते ये कैसे लिया तुझसे ये वा पामा मिलते ये कैसे हुआ पसा निसा दबमा पसा निसा दबमा मिलते ही वो कुछ यानी पा 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 तुझसे मिलते ही वो कुछ। ठीक है उसके बाद ओके बेबाक हो ये है बेबाक ये हुआ धनी द हो यानी धनी दब हो धनी दब उसके बाद है जाना गापा पनी नी। ठीक है जाना मेरा मेरा कैसे हुआ पामा गरे सानी दबा यहां तक है मेरा। उसके बाद इतना करते हैं और तेरा ये कैसे हुआ सा पसा उसके बाद दा ये हुआ गरे सा ओके तो मैं वो तो मैं वो ये कैसे हुआ मारे सा ने तो मैं वो ओके उसके बाद हाँ उंगली ये उंगली कैसे हुआ नीसा उंगली नी नीसा दबाना रे गगा रे गा मा पा पा दबाना उसके बाद याद है गरे सा सा सा। ठीक है नेक्स्ट देखिए इतना देख लीजिए का कैसे हुआ सारे गरे सनी का कैसे का सारे गरे वो यानी सनी। ठीक है उसके बाद जमाना याद ये स्लो में देखिए जमाना याद ठीक है जमाना कैसे हुआ जमा यानी कि नीरे अब ना में हरकत क्या है गा पा दा नी ना एक बार ना पा दा दा पा ना याद है घर सा 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 तो ना को ऐसे थोड़ा देखिए गा से गा पा दा नी पा दा दा पा ना याद है अलग से घर सा सा सा। अब जॉइंट में देखिए जमाना याद है जल्दी में ना जमाना याद है तो जमाना याद है उसको संभालना है आपको और इसको ताल में रखना है निरे गा पा दा नी पा दा दा पा गरे सा 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 जमाना याद है। ये सब पार्ट सब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा और कई बार गाइए कई बार गाने के बाद आपको इस पे कंट्रोल हो जाएगा तो जो आपको कठिन लगता है गजल वो आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है जमाना याद है जमाना याद
जमाना याद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपने देखा यहाँ पे दिन कैसे किया। हाँ, चुपके चुपके रात, वो तो नोटेशन पहले बताया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट में बताया मैंने। अब रात दिन, ये कैसे है? रात दिन यानी कि गमा गसा गसा नी, गमा गसा गसा नी दिन। ठीक है, चुपके चुपके रात दिन, आंसू बहाना याद है बस। ठीक है, अब चलते हैं अंतर टू पे। चोरी चोरी हमसे तुम चोरी, ये वा पाप चोरी चोरी पानी दामा चोरी हमसे तुम पामानी पगारे सा हमसे तुम। ठीक है, हमसे तुम, उसके बाद आकर आकर सारे रे मग मग आकर मिले थे गपा मधाप मिले थे मिले थे। ठीक है, गपा मधाप। अब जिस जगह कैसे, जिस जगह ये कैसे हुआ, पा 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 मग सा नी सा ग मा पा, जिस जगह जिस जगह। ठीक है, चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह। ठीक है, समझ गए नोटेशन, अब आगे बढ़ते हैं। चोरी सेकंड में कैसे है, पापा मा चोरी चो यानी कि पसा निसा चोरी यानी कि द पमा हमसे तुम द पापा। चो कैसे हुआ, चो इतना सीख लीजिए, पसा निसा चो उसके बाद री हमसे तुम, री कैसे हुआ, द प म द सा द प प प री हमसे तुम, री कहां तक हुआ, री यानी द प म द सा री हमसे तुम हमसे तुम यानी कि द प प प प। चोरी चोरी हमसे तुम। ठीक है, उसके बाद आकर मिले थे, आकर मिले थे, आकर यानी कि धानी। ओके, मिले मिले ये कैसे हुआ, धनी धनी दसा नी द मिले थे, धनी धनी दसा नी धनी द प मिले थे। ओके, आकर मिले थे जिस जगह, धप मगर जाने धप जिस जगह, तो जिस
धापे खत्म हो गया। जिस जगह यानी दापा मगर साने धा, ठीक है। उसके बाद मुद्दते गुजरी सा पसा यानी मुद्दते, ओके, गुजर यानी कर सा री यानी मारे रे सा सा नी नी। उसके बाद परब तक वो यानी कि नी 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 सा पर अब तक वो, ओके, जमाना याद रे गा गा रे गा मा पा 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 मगर सा 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 जमाना याद। इसके बाद देखिए फिर नहीं कुछ हरकतें देखिए। हमको पहले वाला ही पा 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 अब तक यानी पसा पा आशिकी यानी मा 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 आशिकी कैसे हो आशिकी का वो रेगा पा मा गा सा नी का वो का को कहां तक लाएंगे रेगा पा मा गा यहां तक लाएंगे का वो उसके वो बोलेंगे सानी हमको अब तक आशिकी का वो, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर देखिए जमाना याद है जमाना। देखिए कितना बढ़िया जमाना में वेरिएशन लिया है एकदम। एक एक चीज आप याद रखिए दोस्तों, बिल्कुल आसानी से आप गा पाएंगे। यहां पे ध्यान देना है खाली जमा यानी कि नीरे ना तो कैसे घुमावदार देखिए नोटेशन है जमा ना जमा यानी कि नीरे ना आयाद जमा ना आयाद ना का नोटेशन देख लीजिए तो गा पा गा रे सा 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 ना गा पा ये पहला वा गा पा धा पा ना ना यानी गा पा धा ना। उसका तीसरा आ याद यानी गा धा पा गा रे सा सा, ठीक है। देखिए बार बार देखिए बार बार इसको करिए ना याद गा पा दा गा धा पा गा रे सा सा याद गा रे सा सा सा, ठीक है। ना याद मैं बार बार कर रहा हूं दोस्तों जिससे कि आपको याद रह जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर चुपके चुपके नॉर्मल ही है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। बस अब चलते हैं नेक्स्ट संतरे पे दोस्तों। मेरा
फिर वही पास ही है, सिंपल है। खेच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफ्तन, ठीक है वही सिंपल। खेच लेना पामा पानी दामा वो मेरा पामा मानी पर पामा मानी पगर सा वो मेरा ओके पर्दे का सारे गा सारे रे मगा मगा कोना पामा दापा कोना। उसके बाद दफतन यानी पा पा पा, ठीक है। इसके बाद देखिए दोबारा, अभी पहले ऐसा ऊपर ले जाते हैं। खेच लेना वो मेरा खेच लेना वो मेरा पामा पसनी सादा पमादा सादा पापा खेच लेना वो मेरा, ठीक है। पर्दे का कोना दनी द दनी द सनी दनी द पा दफ्तन दफ्तन धापा मगर सनी द पा, ठीक है आगे। और दुपट्टे से तेरा वही सेम है, और दुपट यानी सा पसा और दुपट्टे यानी गरे सा से यानी कि मरे रेसा तेरा रेसा रेसा नी ओ मुंह छुपाना याद रे निसा रे गगरे ग म प प गरे सा सा वो मुंह छुपाना याद रे। इसके बाद देखिए फिर एक हरकत आती है, अब फिर एक नया वेरिएशन। हमको सेम पहले ऐसा ही, अब तक आशिकी का वो, ठीक है। अब जमाना में देखिए, जमाना याद है जमा यानी कि नीरे ना यानी कि गापा गापा दापा ना याद है गरे सा 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 बस। हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है, हाँ नीचे तक है देखिए है यानी सागर है जानी दापा कैसे हुआ जमाना याद है यानी नीरे जमा। उसके बाद ना ना यानी कि गापा गापा दा दा पा याद यानी याद, ये क्या हुआ गरे सा सा यानी सागर जाने दफा, याद तक रहिएगा। हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है, चुपके चुप
रात दिन आंसू बहाना याद है। अभी लास्ट सुनता दोस्तों सुनिए। हाँ वैसे देखिए सेम नोटेशन है बाकी यंत्रों के जैसा। पापा से दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए, ऐसे ले सकते हैं स्लोली के लिए दो, मतलब इसमें लयकारी है आप जितना अच्छा कर सकते हैं। दो पहर की यानी कि पा मा पानी रामा धूप में पा मा नी पगा रे सा मेरे सारे रे मगा मगा मेरे मेरे सारे रे मगा मगा मेरे ओके बुलाने गप्पा मदप्पा बुलाने ओके के लिए यानी कि पापा पा मग सनी सग पापा के लिए ठीक है ऐसा लगे। इसके बाद दो पहर की धूप में जैसे पहले किया था हमने पा म पसनी सादा पा मादा सादा पापा दो पहर की धूप में ओके मेरे बुलाने यानी कि धानी धनी धनी धसनी धनी दब के लिए धाप मगर सनी दप मंत्र पर आगे फिर आगे ये करते हैं वो तेरा कोठे पे सा पसा सागर सामने रे सा सानी नी ठीक है नंगे पाऊं यानी नी नी सारे नंगे पाऊं ओके आना गगरेगा मा पापा आना याद है घर सा 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 अब देखिए ये चेंज यहाँ पे कर दिया हमको पहले वाला ये अब तक आशिकी का वो अब जो ये लयकारी देखिए जमाना याद है तो आ कैसे देखिए जमा यानी नीरे उसके बाद ना यानी कि गारे आ यानी कि मागा फिर पमानी पा आ याद गरे सा सा तो कैसे देखिए इसको देखिए दोस्तों इसको ताल में गाना आपको ताल में समझना बहुत जरूरी है ये जो लयकारी है यहाँ पे ना तो देखिए कैसे है मैं आपको उंगली पे दिखाता हूँ एक दो तीन चार पाँच छ सात एक दो तीन चार पाँच छ सात एक दो तीन चार पाँच छ सात एक हके एक के बाद है ना तो ये कहाँ से हुआ देखिए हमको
अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। एक एक चुपके चुपके देखा यार, एक इसके बाद लिया ना हमने। हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। वन चुपके, ठीक है, खत्म करते ना, याद है यहीं पे खत्म हो जाता है, उतना रुक जाते हैं मात्रा और एक आने देते हैं, एक के बाद फिर हम चुपके चुपके पकड़ लेते हैं। का वो जमाना याद है, एक चुपके चुपके रा, हो गया चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। अब लास्ट में देखिए कैसे लास्ट का हमिंग कैसे सीख लीजिए दोस्तों, फिर गाना खत्म हो जाएगा। ये तो पा से शुरू हुआ, पा मादा सा दा मा, ठीक है, उसके बाद यानी कि गापनी ने पमागा उसके बाद नी यानी कि मारे सा नी सा रे सा रे सा उसके बाद नी सा पानी का मरे नी पसा रे सा ठीक है शुरू से। तो फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ दोस्तों, तो बस दोस्तों बहुत लंबी गजल थी लेकिन बहुत मेहनत लगा, लेकिन मज़ा भी बहुत आया दोस्तों आपको सिखाने में, और ख़ुद भी मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला इस गज़ल में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि हमारी जो ये मेहनत है वो सफल होगी, आप लोग सीखेंगे और आप लोग गाएंगे इस गज़ल को बिना डरे, ठीक है ना। तो डोनेट म्यूज़िक का यही मकसद है दोस्तों कि आप बिना डरे इस गज़ल को गाएं और दुनिया में गुलाम अली साहब का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें। थैंक यू, शुक्रिया।